ओम शांति। बाबा कहते अंत समय से पहले, हलचल वाली परिस्थितियों से पहले, अर्थात विनाश के पहले स्वयं को ऐसा संपूर्ण संपन्न बना लो कि अंत समय में एक बाप की ही याद हो, एक बाप के ही साथ सर्व संबंधों की अनुभूति अभी करने का समय है, सर्व प्राप्तियां एक बाप से ही अभी करने का समय है, क्योंकि बाद में अंत समय में जब धर्मराज का पार्ट शुरू होगा तो बाबा साक्षी होकर देखेगा, कोई मदद नहीं मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते अभी समय से पूर्व जो संपूर्ण बनेगा, संपन्न बनेगा, उसे नंबर मिलेंगे, और जिन बच्चों को समय संपूर्ण बनाएगा उन बच्चों के नंबर समय को जाएंगे। तो आज दिनांक 8 जुलाई को हम संपूर्ण संपन्न अवस्था फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए स्वमान लेंगे, मैं सदा उड़ता पंछी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूं। रोज हम अमृत वेले एक स्वमान लेते हैं, उस स्वमान की सीट पर सेट होते हैं, उसी अनुसार दिन भर की दिनचर्या चलाते हैं। जैसा कि बाबा की श्रीमत है कि अमृत वेले फाउंडेशन होता है सारे दिन की दिनचर्या का, तो अमृत वेले में ही बाबा से ऐसी प्राप्तियां कर लो कि दिन भर जो भी समस्या आए, जो भी परिस्थितियां आए, आप सहज और स्वतः पार कर लो। तो आज 8 जुलाई को स्वमान लेंगे, मैं सदा उड़ता पंछी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूं। हम अमृत वेले में जब स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं तो यह हमारी स्मृति में दिन भर के लिए पक्का हो जाता है। तो अनुभव करें, मैं निराकार आत्मा, चैतन्य चमकदार सितारा, इस 5 तत्वों के शरीर में भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। इस शरीर से स्वयं को बाहर निकालने, अनुभव करें मैं सितारा, इस शरीर के भ्रकुटी सिंहासन से बाहर आ रहा हूं। देखें अपने स्थूल शरीर को, उड़ चलें ऊपर की ओर, आसमान से ऊपर, तारा मंडल से ऊपर, ग्रह नक्षत्रों की दुनिया से भी ऊपर, सफेद प्रकाश की दुनिया सूक्ष्म वतन में, जहां मेरा संपूर्ण फरिश्ताई स्वरूप है, लाइट का स्वरूप सूक्ष्म शरीर, लाइट के शरीर में भ्रकुटी सिंहासन पर जाकर बैठ जाएं, अनुभव करें अपने सम्मुख बाप दादा को, बाप दादा का चमकदार लाइट का स्वरूप मेरे सम्मुख विराजमान है।
अनुभव करें बाप दादा। अपना वरदानी हाथ, मुझ फरिश्ते के सर पर रख रहे हैं। बाप दादा वरदान देते, संपूर्ण संपन्न भव, बाप दादा दिव्य दृष्टि द्वारा दिव्य सतरंगी किरणों की मुझ फरिश्ते पर बरसात कर रहे हैं। बाप दादा की दृष्टि से निकलते दिव्य प्रकाश को समाते जाएं। अनुभव करें अपने दिव्य प्रकाश को बढ़ता हुआ। अपने दिव्य स्वरूप की चमक को बढ़ता हुआ। मुझ फरिश्ते से निकलता प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। गुण ज्ञान तथा शक्तियों से भरपूर मैं फरिश्ता, संपूर्ण संपन्न बन गया हूं। तो अनुभव करें मैं सदा उड़ता पंछी, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूं। मैं सदा उड़ता पंछी, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूं। मैं सदा उड़ता पंछी, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूं। अब अपने सूक्ष्म शरीर की भ्रकुटी से बाहर निकले। बाहर निकलकर ऊपर अपने घर परम धाम की ओर प्रस्थान करें। सूक्ष्म वतन से ऊपर लाल प्रकाश की दुनिया, लाल प्रकाश अनंत फैला हुआ है। चारों ओर असीम शांति ही शांति है। मैं बिंदु सितारा, सितारों की दुनिया में अपने पिता बिंदु सितारा के पास आ गई हूं। मैं संपूर्ण स्वतंत्र अनुभव कर रही हूं। इस देह की दुनिया से नहीं आ रही, आवाज की दुनिया से नहीं आ रही, सर्व बंधनों से मुक्त मैं आत्मा,
अपने पिता परमात्मा के सम्मुख विराजमान हूं। पिता परमात्मा से निकलती प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा पिता परमात्मा से निकलते दिव्य प्रकाश को स्वयं में समाती जा रही हूं। बाप समान बनती जा रही हूं। मैं और मेरा बाबा तीसरा कोई नहीं है, इसे ही ज्वालामुखी अवस्था कहते हैं। कुछ देर अनुभव करें इस ज्वालामुखी अवस्था को। अनुभव करें मेरे सब विकर्म दग्ध होते जा रहे हैं। मैं पवित्र पावन स्वच्छ बनती जा रही हूं। अब लौट चलें, बाबा से आज्ञा लें स्थूल वतन की ओर जाने की। परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन से नीचे ग्रह नक्षत्रों की दुनिया से नीचे तारा मंडल से नीचे उतरता अनुभव करें स्वयं को। आ जाए अपने स्थूल देह की भ्रकुटी सिंहासन पर। अनुभव करें मेरा पांच तत्वों का शरीर। मेरे दिव्य प्रकाश को स्वयं में समा रहा है। मेरा अंग अंग पवित्र पावन बनता जा रहा है। सर्व कर्मेंद्रियां सतोप्रधान बनती जा रही हैं। मेरा दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आसपास का वायुमंडल पावरफुल बनता जा रहा है। अब आह्वान करें अपने फरिश्ताई स्वरूप का। फरिश्ताई स्वरूप में स्वयं को विराजमान करें। और चलें पृथ्वी ग्लोब पर बैठ जाएं। अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व के कोने कोने में अपना दिव्य प्रकाश प्रवाहित करें।
अनुभव करें बाप दादा से, सूक्ष्म वतन से। मुझ फरिश्ते पर दिव्य गुण रूपी किरणें बरस रही हैं, शक्ति रूपी किरणें बरस रही हैं, और मुझ फरिश्ते में समाकर फिर विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। एक एक आत्मा मेरे दिव्य प्रकाश को समाती जा रही है। तो अनुभव करें मैं सदा उड़ता पंछी, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूं। मैं सदा उड़ता पंछी, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूं। मैं सदा उड़ता पंछी, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूं। सर्व आत्माएं मेरे दिव्य प्रकाश को स्वयं में समाती जा रही हैं। मेरे फरिश्ताई स्वरूप का अनुभव कर रही हैं। मेरे स्वरूप द्वारा पिता परमात्मा शिव का साक्षात्कार कर रही हैं। सर्व आत्माएं अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कर रही हैं। मुझ फरिश्ते से गुण ज्ञान तथा शक्तियां धारण कर रही हैं। एक एक आत्मा के पुराने संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। सबके विकर्म भस्म हो रहे हैं। सबको बाबा का सत्य अनुभव हो रहा है। सब अनुभव कर रहे हैं कि हम सब एक आत्मा है। हमारा पिता एक शिव परमात्मा है। हम सब आत्माएं एक पिता की संतानें हैं। सब आत्माएं परिवर्तन होती जा रही हैं। तो अनुभव करें मैं सदा उड़ता पंछी, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूं। मैं सदा उड़ता पंछी, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं सदा उड़ता पंछी, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूं। अच्छा, 9 तारीख के सोमान के साथ अमृत वेला में फिर मिलेंगे। ओम शांति।